अस्सलाम वालेकुम। घर हर एक के लिए एक महफूज जगह होती है, जहां वो सुकून से और आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े भी ऐसे होते हैं जो अपना घर बनाते हैं। आइए देखते हैं कि सना किस किस के घर तलाश कर रही है। घर। सना ने दरख पर एक मकड़ी देखी। मकड़ी अपना घर बना रही थी। जब घर बनकर तैयार हो गया तो सना ने कहा, ये घर तो धागों का जाल है। एक दूसरे दरख पर शहद की मक्खी का घर था। सना ने कहा, एक घर में इतने बहुत से सुराख। मक्खी बोली, आओ देखो हम कैसे मिलकर रहते हैं। सना ने कहा, ना बाबा, मैं दूर से ही देख लूंगी। सना, हमारा घर भी तो देखो। दरख्त के नीचे से चींटी की आवाज आई। सना ने झुककर देखा, ये इतना छोटा सा मिट्टी का टीला। फिर सना चारपाई के नीचे घर घर खेलने चली गई। देखा बच्चों, अल्लाह की कुदरत। इंसान हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, अपना घर जरूर बनाते हैं और महफूज रहते हैं। आपने कभी चींटी को देखा है कि वो कितनी मेहनत से अपना घर भी बनाती है, अपने लिए खाना तलाश करके उस छोटे से घर में जा बैठती है। मकड़ी का जाला भी आपने देखा होगा, कितनी सफाई से वो अपने लिए जाला बुनती है। और आपको पता है कि वो जाला क्यों बुनती है? ताकि अपना शिकार कर सके। शहद की मक्खी का छत्ता भी आपने देखा होगा। ये सब अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं। कितनी सफाई से, बेहतरीन तरीके से शहद की मक्खी अपना घर बनाती है और उसके अंदर शहद को महफूज करती है। शहद की मक्खियाँ जब शहद बनाती हैं तो उनकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। कभी आपको वो भी बताऊँगी। इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।